था सभी का सक्सेस की 98 में और आज के वीडियो में आपको कराऊंगा डीआई जो आपके 2016 के एग्जाम में आया हुआ था। तो अच्छे से देखना, ऐसे ही डीआई आपके एग्जाम में बनेंगे जो आपका आने वाला एग्जाम है आईबीपीएस पीओ प्री 2017 का, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। एग्जाम में आपका यही डीआई पड़ा हुआ था और डीआई ऐसे ही आएंगे क्योंकि ज्यादा हार्ड आने वाला नहीं है आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में। अगर आप एग्जाम से पहले 15-20 डीआई प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, वो सफिशिएंट है पीओ प्री के लिए। तो पहले मैं फटाफट डीआई का कांसेप्ट समझा दूं कि डीआई आपको बोल क्या रहा है। देखो, आपके पास 3 साल दिए गए, 2000, 2005 और 10, और 3 गांव दिए गए ए बी सी, और उस गांव में क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, कितने टोटल वोट्स है, उसका डाटा दिया गया है टोटल वोट्स का, और उस वोट में से कितने वैलिड वोट्स पड़े हुए हैं उसका डाटा दिया गया है तीनों विलेज से और तीनों ईयर में, ठीक है। तो ये बोला था आपको नॉर्मल डीआई, इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व आउट करने थे। तो देखो, पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज invalid votes from village A for the given year, ठीक है। देखो, village A की बात कर रहा है, village A में कितने invalid votes पड़े थे उसका average क्या है। तो हमारे पास कितने years है, 3 years है। अब 3 years में क्या निकालना पड़ेगा कि हर year में कितना invalid votes पड़ा हुआ है। तो 2000 में देखो, 2000 वर्ष में total vote कितने थे, 2500, यानी कि 2500 में से वैलिड वोट्स कितने पड़े, 2500, यानी कि 2250, यानी कि टोटल इनवैलिड वोट्स कितना हुआ, वो वोट हुआ यानी कि 250। टोटल में से वैलिड को लेस कर देंगे तो जितने वोट नहीं पड़े वही तो होंगे ना इनवैलिड वोट्स। तो इतने वोट्स पड़े इनवैलिड वोट्स 2010 में ए गांव में। अब 2005 में कितने पड़े, तो टोटल वोट थे 3800, लेकिन 3250 वोट तो पड़ा, लेकिन बाकी जितना नहीं पड़ा वो क्या है, वो है हमारा इनवैलिड वोट्स। यानी 3800 माइनस 3250 करेंगे तो आएगा 550, ठीक है ना। अब 2010 वाला डाटा देखो, टोटल वोट थे गांव में ए गांव में 3400, लेकिन वोट्स कितना पड़ा, 3000, यानी कि इनवैलिड वोट्स कितना हुआ, जो इनवैलिड वोट्स हुआ वो 400। अब इन तीनों को ऐड कर डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तभी तो हमारा एवरेज निकलेगा। तो ऐड कर दो, 550 प्लस 250 कितना होता है, 550 प्लस 50 600, 700 800 प्लस 1200, 1200 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, हर बच्चों को पता है 400, तो आंसर क्या होगा, 400, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ टोटल वोट पोल्ड इन विलेज बी, जो भी टोटल वोट पड़ा है विलेज बी में किस ईयर में, 2000 में, उसमें 25% जो वोट है वो किसका है, फीमेल का है, यानी महिलाओं का है टोटल वोट में से। अब टोटल वोट 2000 में बी गांव में कितना है, टोटल वोट्स तो 8000 है, ठीक है ना। अब इसमें 25% वोट किसका है, महिलाओं का है, ठीक है। अब आप आगे देखो क्या बोला है, एंड टोटल वैलिड फीमेल वोट्स आर 1875। अच्छा, 2000 में जो टोटल वोट्स है वो 8000 है, लेकिन इसमें वैलिड वोट्स कितना पड़ा, 7600। अब इसमें 7600 में महिलाओं का वैलिड वोट कितना है, 1875, ठीक है, ये फीमेल का रेशियो है और ये है टोटल वैलिड वोट्स और ये फीमेल का वैलिड वोट्स है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें ये बताइए कि वैलिड वोट्स कितना पड़ा पुरुषों के द्वारा, यानी मेल्स के द्वारा, तो इसमें से इसको लेस कर देंगे तो निकल जाएगा ना, वैलिड वोट में से महिलाओं का वैलिड वोट निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मेल्स का डाटा, तो माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5725, ठीक है। काफी इजी सवाल थे, आप लोगों को डीआई ऐसा ही मिलेगा अगर आप एक बार डीआई बोल क्या रहा है कंसेप्ट समझ जाओगे ना, तो फिर बहुत आसानी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
व्हाट इज द एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन ईयर 2000? अच्छा, वैलिड वोट्स इन 2000 में वैलिड वोट्स कितने कितने पड़े हैं? देखो, ए गांव में तो पड़े हैं 2250, ठीक है ना, 2250। अब बी गांव में कितना पड़ा है? जो बी गांव में पड़ा है वो पड़ा है 7600, ठीक है। सी गांव में कितना पड़ा है? वो पड़ा है 4250। अब 2250 और 4250 कितना होता है? 250 और 250 यानी 500, और ये 4000, ये 2000, 6500। अब 6500 और 7600 जो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 00, और ये होगा 1, और ये होगा 4100। एवरेज पूछा है तो तीन गांव का है, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो 141 को डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर? तो क्या होगा, 141 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3 4 12, और 2 कैरी फॉरवर्ड, 21 यानी 47, और ये दो जोड़ो, ये दो जीरो, यानी कि 4700 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हमारे पास है नेक्स्ट नंबर सम। देखो क्या बोल रहा है, टोटल वोट्स ऑफ विलेज ए इन 2000 इज व्हाट परसेंट वैलिड वोट्स पोल्ड इन द विलेज सी इन 2010, ठीक है ना। अच्छा, टोटल वोट्स कितने हैं ए गांव में 2000 में? आप बोलेंगे भैया 2500, ठीक है। अब पूछ रहा है ये 2500 कितना प्रतिशत है वैलिड वोट का जो सी गांव में पड़ा है 2010 में? तो देखो, वैलिड वोट कितना पड़ा है 2010 में सी गांव में? 6750, ठीक है ना। तो ये 2500 कितना प्रतिशत है 6750 का, यही तो पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत है। अब नॉर्मल आप एक चीज देखो, 6750 2500, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा अगर माइंड लगाओगे तो अगर इसको मैं डबल कर दूं, 6750 इंटू 2, ऊपर भी इंटू 2 करो तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे जो हो जाएगा, आप बोलेंगे भैया नीचे तो बहुत आसान हो जाएगा, 13500 हो जाएगा, होगा ना। अरे नीचे 13500 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 6000 कितना होता है? 12000, और 750 यानी 1500, तो 13500 ऊपर कितना हो जाएगा? 5000। अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है, ये 500 तो फिर डबल कर दो, तो डबल करेंगे तो ऊपर क्या होगा? 10000। नीचे क्या हो जाएगा? 13500 का डबल क्या होगा? 27000। अब देखो ये 30 काट दो ऊपर का, ये 30 मैंने काट दिया, अब नीचे से भी 30 काट दो, अब इजी हो गया ना, ये 10 27। अब ये 10 कितना प्रतिशत है ये 27 का? हमें पहुंचना कहां तक है? 10 में पहुंचना है। हमको पता है ये जो 27 है वो अपने आप में 100% है, तो 10% कितना होगा? वो होगा 2.7। हमें चाहिए कितना? हमें चाहिए ये 10, और 10% पता है 2.7 होता है। अगर 2.7 इंटू 4 करे, यानी कि 10 इंटू 4 करे 40%, और 27 इंटू 4 करे तो कितना होगा? 110 से ज्यादा हो जाएगा, यानी हमें चाहिए कितना? 10 से कम। तो आप नॉर्मल अनुमान लगाओ, ऑप्शन भी देख सकते हो। देखो ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, 29%, 35%, 37%, 42%, 44%। तो देखो क्या होगा, हमें ये तो पता है कि 29% तो होगा नहीं, 44% होगा नहीं, बिकॉज ये 40 से अबव है, 42 होगा नहीं। अब 35 और 37 बच गया, अब 27 इंटू 4 जब करेंगे तो कितना होगा? 10.8, कुछ ही कम चाहिए ना, तो 35 नहीं, क्या होगा? 37%। आप ऑप्शन देख के भी फटाफट टिक कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, क्या बोला है, वैलिड वोट, जो वैलिड वोट पोल्ड किया गया है गांव सी में इन 2005 में। पहले तो 2005 में कितना वोट पड़ा गया है, वो जो वोट पड़ा है वो वैलिड वोट वो कितना है? 4600, ठीक है ना। अब बोल रहा है ये कितना प्रतिशत लेस है, इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल वोट्स पोल्ड इन विलेज बी इन 2000। अब बी में कितना वोट पड़ा है 2000 में,
टोटल वोट की बात हो रही है, तो टोटल वोट है वो कितना है, बी का 8000। तो ये कितना कम है 8000 से? आप बोलेंगे भैया 8000 से 4600 तो 3400 कम है। अब ये 3400 कंपेयर किससे कर रहे हैं? इससे 8000 से। जिससे कंपेयर करते हैं वो कहां आता है? नीचे आता है, जाहिर सी बात है। तो ये दो जीरो ये रब होगा, तो ऊपर भी दो जीरो हटा देंगे। अब पूछ रहा है ये 34 कितना प्रतिशत है ये 80 का, ये 34 कितना प्रतिशत है 80 का। अब 80 तो अपने आप में 100% है, सेम फंडा हम, और 10% क्या होगा हमारा, जो 10% होगा वो होगा 8, और हमें पहुंचना कहां तक है, 34 तक है। तो 8 से 34 कैसे बनेगा? अगर 8 × 4 करते हैं तो कितना होता है, 32। तो यानी 10 × 4 यानी 40% तो होगा ही होगा ना। अब 32 तो चाहिए नहीं, कम से हमें और कितना चाहिए, हमें और 2 चाहिए। तो वो 2 कैसे बनेगा, वो 2 बनेगा, अब 2 8 का कितना परसेंट है, वो जो है 2.5% है, तो कितना होगा 40। अच्छा अगर 4 होता तो कितना होता, अगर 4 होता तो कितना होता, 50%, यानी 40 + 5 = 45% होता, लेकिन है कितना 2, यानी 25%, यानी 2.5%। तो 40 + 2.5% आंसर कितना होगा, 42.5%। ठीक है, ये था आपका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन थे, तो ऐसे ही डीआई की आपको प्रैक्टिस करनी है एग्जाम IBPS PO pre 2017 से पहले। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।